हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जो कि पार्ट टू होने वाला है। इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट वन शेयर कर दिया है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट के सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया था, और पार्ट टू में फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट के सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट के सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट के सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि अगर आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट अच्छे से कर लेते हैं तो आपका आराम से बी या फिर सी ग्रेड आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोई भी यूनिट टफ लग रही हो तो भाई थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको अदर यूनिट्स भी करना पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों फिफ्थ यूनिट आपके लिए अच्छा वे है कि आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि रेगुलरली वही के वही रिपीट होते रहते हैं, कभी कोई न्यू क्वेश्चन नहीं बना है, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है 8096 माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें आपका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, इंस्ट्रक्शन सेट, कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर। अब ये दोस्तों फिक्स नहीं है कि आपका शॉर्ट नोट्स में पूछे या फिर लॉन्ग में, कभी कभी इंस्ट्रक्शन सेट आपका शॉर्ट में भी पूछा है, कभी लॉन्ग में भी पूछा है, और जो आपका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है इसको तो आपको करना ही है, साथ ही साथ इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी, तो वो भी कर लीजिएगा। अब बात करें अगर कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर की, ये कभी कभी पूछता है लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए, इसलिए इसे भी स्किप नहीं करना। इसके बाद सेकंड में आपको जो एक्सप्लेन में दिख रहा है, थर्ड नहीं हो पा रहे थे, ओनली 2 ही हुए हैं आपके शॉर्ट में या फिर आप लॉन्ग में मान सकते हैं। प्रोग्रामेबल काउंटर एरे, PCA के नाम से भी पूछा जाता है आपका, ये 2022 में ही आया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। इसके बाद फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ 32-bit PIC माइक्रो कंट्रोलर, ऐसा ये शॉर्ट में ही आया है, 2022 में तो नहीं आया था लेकिन 2020 में आया था, इसलिए दोस्तों ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। आपको ऐसे करना है कि जैसे भी आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो आपको सामने दिख रहे हैं, यही टॉपिक्स में से 2 या फिर 3 टॉपिक आपके इस बार भी आएंगे। दोस्तों, फिफ्थ यूनिट के सुपर इम्पोर्टेंट यहाँ पर कंप्लीट हुए, चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। दोस्तों, फोर्थ यूनिट में जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, एक्सप्लेन द इंटरफेसिंग ऑफ स्टेपर मोटर विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ये दोस्तों कई बार पूछा है, अलग अलग तरीके से पूछा है, लेकिन आपको एक कॉमन चीज जो कि है इंटरफेसिंग ऑफ स्टेपर मोटर दिख जाए तो आपको वही आंसर लिखकर आना है जो कि आप पढ़ के गए थे। अब स्टेपर मोटर कभी कभी शॉर्ट में भी पूछता है, 1 या फिर 2 बार पूछा है शॉर्ट में, शायद 2019 में पूछा था, इसलिए आप स्टेपर मोटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लस उसका डायग्राम अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपका टाइमर फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इसमें ऐसा क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द टाइमर फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर विथ डायग्राम, तो आप इसका डायग्राम भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद पूछता है आपका SCR फायरिंग सर्किट पर बेस्ड वर्किंग ऑफ 8051, आपको नंबर 3 पर दिख रहा होगा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 8051 बेस्ड थायरिस्टर फायरिंग सर्किट। यहाँ पर थायरिस्ट की जगह पर SCR फायरिंग सर्किट भी हो सकता है, दोनों एक ही हैं, आंसर एक ही रहेगा, और हो सकता है आपको अलग अलग तरीके से पूछ ले तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 8051 की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है बेस्ड ऑन थायरिस्टर फायरिंग सर्किट विथ डायग्राम। इसके बाद जो आपको डिफाइन में दिख रहा है, SCON, TCON, TMD, विथ पैटर्न, ADC एंड DAC, ये टॉपिक्स शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, लंबे समय से नहीं पूछे हैं, चांसेस हैं इस बार आ जाएं लंबे गैप के बाद। इसके बाद आपको डिफाइन के जस्ट ऊपर दिख रहा होगा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन कनेक्शंस टू RS-232, इसको भी अलग अलग तरीके से पूछ लेता है लेकिन आंसर एक ही रहता है, इसलिए दोस्तों आप कन्फ्यूज ना होइएगा, जो आप पढ़ के गए हैं उसी को लिखकर आ जाइएगा अगर आपका क्वेश्चंस मैच हो गया तो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट के सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट वन में है, जिसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।